ग्लेज परिवार को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के बहुत दमदार, धमाकेदार और जोरदार सेशन में दोस्तों। आज का ये जो सेशन है वाकई में बहुत दमदार है। मैं आपको जस्ट थोड़ी देर के बाद बता दूं, सेशन को शुरू करूं। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप जो सबसे बोलना चाहूंगा देख रहे हैं इस तरह की धमाकेदार न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं और इस तरह की धमाकेदार न्यूज़ मिलती रहे इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि और सब्सक्राइब पे जाके क्लिक करें बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन ताकि और उसमें ऑल पे जाके क्लिक करें दोस्तों। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारी ट्रेनिंग आपके साथ चल रही है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी बहुत अच्छी लगे बहुत बढ़िया लगे अब हमारी ट्रेनिंग आपके साथ चल रही है जो ट्रेनिंग अगर आपको हमारी बहुत अच्छी लगे बहुत बढ़िया लगे अच्छा लगे इसमें एक लाइक का बटन है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप पूरा सेशन देख रहे हैं हमारा सेशन अच्छा लगे फायदा पहुंचा रहा है लाइक का बटन दबाएं नजदीक बहुत लोगों को ये बात आगे बताना चाहते हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं फायदा पहुंचा रही है इसके लिए आप अपने नजदीक के लोगों को ये बात आगे बताना चाहते हैं इसके अलावा पहुंचाना चाहते हैं शुरू कर रहा हूं इसके लिए जो ये जबरदस्त शानदार और दमदार सेशन शुरू होने वाला है। मैं आगे इसको शुरू करने वाले शख्स भी जबरदस्त उतने ही जबरदस्त और दमदार और दमदार होने वाला शख्स इसको शुरू करने वाले शख्स भी इसी भी नाम ने ही जबर उनका शानदार और क्या शब्द इस्तेमाल कर उनके लिए अगर मैं कुछ भी बोलूंगा मतलब किसी भी नाम की ये सूरज के सामने दिया जाने वाली बात है उनके लिए अगर मैं उनको ग्लेज में हर आदमी जानता है कि ग्लेज में जितने लोग आज पैसा कमा रहे हैं एजुकेशन ले रहे हैं हर आदमी में उनका बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। हाँ दोस्तों आज के इस सेशन को मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ दोस्तों बहुत बड़ा मार्गदर्शन मेरी अपलाई हाँ दोस्तों गुरु हम सब के मार्गदर्शन को मैं वो भी मेरे कर रहा हूँ कर रहे हैं तो मेरी अपलाई सब के तरफ से गुरु हम सब के मार्गदर्शन के साथ मैं आपके वो भी मेरे लाना चाह रहे हैं आपकी और मेरी हम सब की अपलाई जोरदार तालियों के साथ मैं आपके बीच में लाना चाह रहा हूँ हम सब के बीच में जोरदार तालियों से सरबजीत का स्वागत सरबजीत सर को प्लीज सरबजीत सर आप आए हम सब के बीच में जोरदार तालियों से सरबजीत सर का स्वागत करें आप सब। कैसे हैं आप कुछ मैं बहुत अच्छा हूँ सर थैंक यू सो मच। आज आप हमारी टीम को खुद आए हैं ये जबरदस्त शानदार इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से खुद आए हैं ये जबरदस्त शानदार इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग देने के लिए पूरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हम सब आपको तहे दिल से शुरू में ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच कुछ हमारी अप्लाई आपका प्यार है सर को बात करने के बदले आज हम सब यहाँ पर हैं। वैसे तो ये सारा श्रेय सबसे पहले है हमारी अप्लाई चेतन सर और संजीव सर को जाता है जिनके एक बार जोरदार तालियां चेतन सर और संजीव सर के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ तो मैं चाहूंगा आप सब लोग थैंक यू वेरी मच जोरदार तालियां चेतन सर और संजीव सर के लिए बधाई कुछ सर। आज जैसा मैंने आपको लोगों को भी बताया और आज का दिन बहुत खास है लोग इंतजार कर रहे हैं आज जैसा मैंने आज के दिन में हमें भी पता चला है आज का दिन कुछ नहीं खास है एक लोग इंतजार कर रहे हैं में लॉन्च हुआ है आज के दिन में हमें पता चला है क्या है सर ये विनर क्योंकि नया में ही विजेता है तो आखिर क्या है ये बताइए जरा हम सब लोग क्या है सर ये विनर क्योंकि नाम में ही विजेता है नाम जो आखिर क्या विनर बताइए दोस्तों वो ग्लेज के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में जो बनाया गया है दोस्तों विनर यानी कि हम सबके अंदर एक विनर छुपा हुआ है वो विनर आप में भी है। इस समय जितने लोग इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं अंदर एक विनर यकीन माने आप में से हर विनर के अंदर भी विनर मौजूद इस समय जितने लोग यू कहिए कि ये थोड़ा कलयुग का समय है लेकिन मैं आप में से हर एक एक के बार को रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ा रामायण आप में अधिकतर लोगों ने देखी होगी इस बात को रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ रामायण लोगों ने देखी एक किरदार रामायण ने रिकॉर्ड भी बनाया जिनके पास शक्ति थी और वो शक्ति को भूल गए रामायण में और उन्हें बोला गया था कि समय आने पर जिनके पास शक्ति थी कोई आएगा जो आगे शक्ति को शक्ति का एहसास कराएगा और उन्हें बोला आप समझ में आने पर किसकी बात कर रहा हूँ
कोई आएगा जो आगे आपको आपकी शक्ति का एहसास कराए। बात हम कर रहे हैं सर, हनुमान को याद दिलाया था जामवंत जी ने। परफेक्ट, किसकी क्वेश्चन जी सर? तो ये कह सकते हैं, कर रहे हैं सर, हनुमान है वो मेरे सामने, याद दिलाया था जामवंत जी ने, हम आपके सामने जी सर। तो ये कह सकते हैं जितने हनुमान है वो मेरे सामने मौजूद है यहाँ पर, और जामवंत बन के हम आपके सामने खड़े हैं। हम आज यहाँ पर आपको इस बात का एहसास कराने आए हैं कि आपके अंदर एक विनर मौजूद है, आपके अंदर एक विजेता मौजूद है। फर्क है तो सिर्फ अपनी ताकत को पहचानने का। तो पहली बात, इस टाइटल को रखने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये है दोस्तों कि इस समय पूरे विश्व जब कोरोना वायरस नाम की इस महामारी से जूझ रहा है, जहां अधिकतर लोग आंकड़े गिन रहे हैं, सुबह उठते हैं तो न्यूज देखते हैं, रात को सोने से पहले आंकड़े गिनते हैं, वहीं ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर अपने मार्क्स गिनता है कि मैंने जो एग्जाम दिया उसमें मेरे कितने मार्क्स आए, मेरी डाउनलाइन ने कितना स्कोर किया। स्कोर दोनों तरफ चल रहा है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस ओर ऊर्जा बहती है उसी ओर ध्यान चलता है दोस्तों, या यूं कहिए कि जहां आपका ध्यान होगा ऊर्जा वहीं बहेगी। सारी बात यह है कि आपका ध्यान किस तरफ है। जहां मैं अधिकतर लोगों से जब फोन पे बात करता हूं इस लॉकडाउन के दौरान, तो कहते हैं यार टाइम नहीं मिला, वो कहते हैं पता नहीं टाइम पास कैसे करें। वहां मैं देखता हूं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन के समय पर, जहां हम सीख सकते हैं। जहां आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी अपनी आरी को धार लगाने वाली, याद है आप सबको? तो ये वो समय है जब हम सब लोग अपनी तलवारों को, अपनी शमशीरों को धार लगा रहे हैं दोस्तों, और धार जितनी तेज होगी उतना ही बेहतर काम हम कर पाएंगे। और ये बात आप में से एक एक ग्लेस का डिस्ट्रीब्यूटर बखूबी रूप से जानता है। तो दोस्तों पहले मैं आपसे बोलता हूं विनर क्यों। विनर ये दोस्तों, जहां बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके हैं, जहां बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं अब आगे वाले आने वाले समय पर क्या होगा, जहां लोगों को लगता है पता नहीं हमारी टीम का आगे क्या होगा, तो मैं आपको बोलता हूं दोस्तों भरोसा रखें, ये एक नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है, हम एक इतिहास लिखने जा रहे हैं दोस्तों। आप सब जब आने वाले अगले एक साल के बाद इसी मई जून के महीने में अगले साल जब खड़े होकर शेयरिंग करेंगे तो आपको ये दिन याद आएंगे। आप लिख लीजिए दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग यहां पर ग्लोबल डायमंड्स मौजूद होंगे, डायमंड्स होंगे, आरडीज होंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे। याद करें दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उसके बावजूद आप स्टेज पर चढ़ गए और आपने ट्रेनिंग सेशन लिया, और जब आप नीचे उतरे तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ दोस्तों, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आपका फोकस एक तरफ लगता है तो आप चमत्कार करते हैं दोस्तों। इस समय भी जो हम ये ऑफर विनर की लेकर आए हैं दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर जीतने का जज्बा है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने सपनों से प्यार है। विनर आपको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, विनर आपको एक नई उड़ान देगा दोस्तों, विनर एक नई शुरुआत करेगा। जहां बाकी लोगों को लगता है सब कुछ रुक गया है, तो यहां विनर को पिछले हफ्ते जब मैं आपके पास आया था 2 मई को, इस विनर में और अब में हमने थोड़े से और बदलाव किए हैं, हमने आपके लिए इसको और बेहतर किया है और इंप्रूव किया है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको विनर का जो नया रूप है वो प्रस्तुत करता हूं। अगर आप ध्यान से इस बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आपको यहां पर 3 ऑप्शंस लिखी हुई नजर आ रही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन 1 का मतलब है आप खुद, आप में से हर व्यक्ति अपने आप में एक योद्धा है। आप में से बहुत सारे लोगों में यह क्षमता है कि वो खुद अपने दम पर भी 40 IP का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आप में से हर आदमी ने पहले भी करके दिखाया है। तो अगर अब आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप विनर बन सकते हैं। एक बात इससे पहले मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, विनर का टाइटल सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक ही बार मिलेगा, आपके 0 मंथ + 1 मंथ में। यानी जब आप ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ बिजनेस शुरू करते हैं दोस्तों, वो महीना आपका 0 मंथ कहलाता है। मान लीजिए आपने मई मंथ में इस बिजनेस को शुरू किया, तो जो मई मंथ है वो आपका 0 मंथ कहलाएगा, और उसका अगला महीना जो जून होगा वो आपका 1st मंथ कहलाएगा। तो ये ऑफर वैसे तो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, लेकिन जीवन में सिर्फ एक बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी
ग्लेस के मौजूदा हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ओपन कर दी गई है दोस्तों, क्योंकि विनर्स एक नया टाइटल है, तो हमें लगा कि हमारे जो साथी आज से पहले ग्लेस के साथ जुड़े हुए थे उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, चाहे आप आज सीडी हैं, चाहे आप एक प्रेसिडेंट हैं, चाहे आप एक रॉयल प्रेसिडेंट हैं, यानी कि पहले के डीडी या जीडीडी लेवल पर मौजूद हैं, ये ऑफर आप सबके लिए भी है। और खासकर मैं अपलाइन से बात कर रहा हूं, जो लोग आज रॉयल मास्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, रॉयल प्रेसिडेंट हैं, जो मानते हैं कि हम अपलाइन हैं और हमने नेटवर्क खड़ा किया है, एक बार फिर से एग्जाम्पल से अपने आप को प्रूव करने का समय आ गया है दोस्तों। क्योंकि एक बार आपने इस ऑफर को अचीव कर लिया तो जीवन भर आप जब भी स्टेज पर आएंगे आपको इस कदर बुलाया जाएगा कि आप हैं रॉयल प्रेसिडेंट और आप हैं एक विनर, यानी विनर का टाइटल जीवन भर ग्लेज में आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन इसको लेने का मौका सिर्फ और सिर्फ मई और जून महीने में आपके पास मौजूद है, यानी कि दोस्तों एक लौता मौका है। और मौके को लेकर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जीवन ईश्वर जीवन में जब भी आपको मौका दे तो आपको उस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। वो कहानी याद है ना आपको कि एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई तो सारे लोग गांव से जाने लगे। जाते जाते एक किसान था, उसने अपने एक साथी को बोला कि हमारे साथ चलो बाढ़ आ रही है। उसने बोला आप जाओ, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। खैर गांव वाले चले गए, पानी गांव के अंदर आ गया, वो व्यक्ति अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। वहां नाव आई, फौजी जो है वो नाव लेकर आए और उन्होंने उसे बोला कि फटाफट हमारी नाव में बैठ जाओ, हम आपको यहां से बचा लेंगे। उसने बोला आप जाओ, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। उसके बाद दोस्तों पानी और ऊपर आ गया, वो आदमी अपनी घर की छत पे चला गया। अब ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, उसने रस्सी फेंकी और उसने बोला फटाफट रस्सी को पकड़ो, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। उसने बोला मैं नहीं आऊंगा, मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। आखिर में दोस्तों पानी और ऊपर आया और वो आदमी डूबकर मर गया। जब वो ऊपर पहुंचा ऊपर वाले के पास, तो जाकर उसने शिकायत की, उसने बोला मैंने आपकी इतनी पूजा की, मैंने आपकी इतनी आराधना की, आराधना की, और आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मुझे बचाया तक नहीं। तब ईश्वर ने उसे कहा मूर्ख इंसान, वो जो गांव वाला रुका था वो कौन था, जो आदमी नाव में बैठकर आया था उसे किसने भेजा था, जिसने हेलीकॉप्टर से ऊपर से रस्सी फेंकी थी वो कौन था, तुझे इतने मौके दिए बचने के तू मुझे पहचान नहीं पाया। उसी तरह से दोस्तों जीवन में आपको मौका बार बार नहीं मिलता, विनर बनने का मौका आपके पास सिर्फ और सिर्फ मई और जून मंथ में मौजूद है दोस्तों। और मैं अपने ग्लेस के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को भली भांति जानता हूं कि जब भी आपको ये मौका मिला आपने मौके का पूरा फायदा उठाया है और आपने स्टेज पर पहुंचकर ये साबित किया है कि आप एक योद्धा हैं, आप में लड़ने की शक्ति है दोस्तों। तो ये विनर का मौका नया टाइटल मौजूदा सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मई मंथ और जून मंथ के लिए। तो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं इस टाइटल को अचीव करने के लिए? तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। यदि आप मई मंथ के अंदर खुद 40 IP का बिजनेस कर देते हैं तो भी आप विनर बन जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, यदि आप खुद 20 IP का बिजनेस करते हैं और आप अपने आगे एक नई डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं या मौजूदा डाउनलाइन से भी जो आपकी डायरेक्ट है उससे 20 IP का बिजनेस करा देते हैं तो 20 + 20 ये हो गया 40 IP और आप एक विनर बन जाते हैं। ऑप्शन थ्री, इस ऑप्शन थ्री के अंदर आप खुद हैं, आपने 10 IP का बिजनेस किया और आपने अपनी 3 डायरेक्ट से, चाहे वो मौजूदा डायरेक्ट हो या चाहे वो फ्रेश डायरेक्ट हो, उनसे आपने 10 IP का बिजनेस करवा दिया, यानी कि 10 IP आपके और 10 A, B, C के, यानी 10 + 10 + 10 + 10 40 IP का बिजनेस हो गया तो भी आप विनर बन गए। अगर आप गौर से देखें तो मैं उदाहरण लेता हूं एक प्रेसिडेंट का। एक प्रेसिडेंट के नीचे 3 रॉयल मास्टर हैं, आपको केवल 10 IP खुद करना है और अपने तीनों रॉयल मास्टर से 10 10 IP का बिजनेस कराना है। जहां आप प्रेसिडेंट हैं अब आप एक विनर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मैं बात करता हूं रॉयल प्रेसिडेंट की। अगर आप एक रॉयल प्रेसिडेंट हैं, आप रॉयल प्रेसिडेंट तब बने जब आपके नीचे 3 प्रेसिडेंट बने। इन तीनों प्रेसिडेंट ने केवल 10 10 IP का बिजनेस किया और आपने अपने 10 IP पूरे कर दिए तो भी दोस्तों आप एक विनर बन जाएंगे। यानी कि यह बहुत बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों आपके लिए। अब इसमें एक और कमाल की बात हो रही है कुछ, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये तीनों ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इस समय मैं जानता हूं कि आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं,
तो आप पहले कोई सवाल करना चाहते हैं, मैं क्लियर कर दूं? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो हमारे जितने मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबके लिए ये ऑफर आया है, सबके लिए, यानी अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। बिल्कुल है। जैसे कि पहले स्टार आरडी एक बार आदमी छूट गया तो छूट गया, और स्टार आरडी का ग्लेज में कितना महत्व है ये सब जानते हैं। शायद उसी प्रकार से ये मौका इन्हें एक बार मिला है कि एक बार ये बनना चाहे तो बन सके। बिल्कुल। तो पुराने मौजूदा जितने लोग हैं उनके लिए भी सर ये हमारे पास मई और जून दोनों महीने हमारे पास परफेक्ट, बिल्कुल दो महीने हैं। दो महीने सर, बिल्कुल ठीक। मेरे मन में एक सवाल यार, आपने ये तो बताया लेकिन इस मई महीने में भी, क्योंकि ये मई महीना चल रहा है, कुछ खास महीना है, तो क्या इस महीने भी उनको इतना आईपी करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वो आप हम सब लोग को बताएं। बिल्कुल सर, आपने वही सवाल किया जो मैं मेरे मन में भी था। दोस्तों, कंपनी ने आपको एक ऑफर दी है मई मंथ के अंदर, 100% टॉप अप ऑफर, यानी कि जितना आईपी आप करेंगे उतना ही आईपी कंपनी अपनी ओर से टॉप अप कर देगी। अब मैंने आपसे कहा कि आपका टारगेट है 40 आईपी का, लेकिन केवल मई मंथ के अंदर यदि आप 20 आईपी का बिजनेस भी करते हैं तो 20 आईपी का टॉप अप आपको कंपनी की ओर से मिल जाएगा, यानी कि 20 + 20 आपका कुल 40 आईपी का टारगेट अचीव हो जाता है। तो केवल मई मंथ के अंदर यदि आप खुद पर्सनली 20 आईपी का बिजनेस भी कर लेते हैं तो भी आप एक विनर बन जाएंगे, क्योंकि 20 आईपी कंपनी की ओर से टॉप अप आ जाएगा। उसी तरह से ऑप्शन 2 के अंदर सर, अगर इसी में ये मई की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर जून महीने में बाय चांस किसी वजह से मैं इस महीने ड्यू टू सम रीजन, हालांकि मुझे मालूम है मेरे सारे योद्धा तैयार हैं और इस महीने सब विनर बनेंगे सर, लेकिन एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर, तो क्योंकि आज हम सेशन दे रहे हैं तो मेरे मन में सवाल आया है कि अगर किसी वजह से इस महीने अगर मैं छूट गया, मैं एक भी आईपी नहीं कर पाया अपना पर्सनल, तो अगले महीने, क्योंकि जून का भी मेरे पास मौका है, तो मुझे कितना आईपी करना पड़ेगा? आपने जितना भी आईपी मई मंथ में किया होगा। नहीं, मैंने कोई आईपी अभी नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको जून मंथ में पूरा 40 आईपी करना होगा। पूरा 40 आईपी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। और अगर आपने अप कर दिया तो 20, यदि मई मिस हो गया तो जून में आपको 40 करना होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अगला सवाल कोई आपका? अगला सवाल ये है मेरा सर, ये आपने जैसे बताया कि सेम इसी प्रकार से मई महीने में तो आपने हमें बता दिया है, तो क्या टॉप अप का ऑफर अगर मैं अपने साथ अपनी डाउनलाइन के साथ भी ये कर रहा हूँ, ये सारे इन सब के साथ भी मुझे टॉप अप का ऑफर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे आप अगर ऑप्शन 2 की बात करते हैं, जी सर, ऑप्शन 2 में मैंने आपसे कहा आपको 20 आईपी का बिजनेस खुद करना है जी, और आपको अपनी एक डायरेक्ट से 20 आईपी का बिजनेस कराना है जी। अब अगर मैं मई मंथ की बात करता हूं तो मई मंथ में आप 20 की जगह 10 आईपी करते हैं जी, तो 10 आईपी कंपनी की ओर से टॉप अप आ जाता है जी, और यदि आपकी डायरेक्ट भी 10 आईपी का बिजनेस करती है तो 10 आईपी का टॉप अप आ गया। बिल्कुल। यानी कि 20 आईपी आपने और आपकी डाउनलाइन ने मिलकर किए, 10 और 10, और 10 और 10 का टॉप अप आ गया, यानी 20 + 20 कितना हो गया? 40 आईपी। तो आपकी इस ऑप्शन में भी 100% टॉप अप की फैसिलिटी आपको मिलेगी। उसी प्रकार ऑप्शन 3, अगर आप ऑप्शन 3 को देखते हैं, जहां आपने 10 आईपी का बिजनेस करना था, यहां आपने किया मात्र 5 आईपी जी, और आपकी तीन डायरेक्ट ने भी यदि 5 5 5 आईपी का बिजनेस कर दिया तो आपका कुल बिजनेस हुआ 20 आईपी का, और 20 आईपी का टॉप अप कंपनी की ओर से मिल गया और आपका 40 आईपी का टारगेट पूरा हो गया और आप एक विनर बन गए। थैंक यू सर, बिल्कुल मुझे अच्छे से और बहुत बढ़िया समझ में आ गया। लेकिन इसमें मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से अगर मैं मई महीने में ये नहीं कर पाया तो बाय डिफॉल्ट जून में मुझे इन सब से 10 10 ही कराना पड़ेगा। परफेक्ट। इसी प्रकार से अगर इस महीने में खुद नहीं कर पाया तो अगले जून महीने में मुझे खुद 20 और अपनी एक डायरेक्ट से जो मौजूदा है या नई डायरेक्ट है उससे मुझे 20 20 आईपी कराना पड़ेगा। बिल्कुल 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 ठीक। अभी सर ने हमें क्लियर किया कि मई में टॉप अप है और जून में कोई टॉप अप नहीं है, तो यहाँ सर मुझे लगता है हमें सबको ये बताने की जरूरत है कि हम सबका यही महीना है कि सबसे पहले हम इसी महीने करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि अपने टारगेट को छोटा करना चाहते हैं, यदि आपको लगे आप इसको इजीली अचीव करना चाहते हैं, तो आज के बाद आपके पास 21 दिन मौजूद हैं जी। इन 21 दिनों के अंदर अगर आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, मैं आपको आगे उसके बारे में भी शेयर करूंगा कि कैसे आपको अचीव करना है। आपको विनर बनने के लिए 21 दिन का समय बहुत है यदि आप ठीक से काम करना चाहें। बिल्कुल सही सर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो हमने पिछले 15 दिनों में लगभग शो द प्लान की ट्रेनिंग ली है जी, लिस्ट बना चुके हैं सब लोग जी, उसके अलावा आपने चेतन सर की नई ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली है जी, मास्टर मिलियनेयर वाली जी, राइट।
उसके अलावा उनकी लीडरशिप की ट्रेनिंग भी आप अटेंड कर चुके हैं, प्रोटेक्ट योर मैसेज भी आप कर चुके हैं, पावर ऑफ टीम वर्क भी आप कर चुके हैं, राइट। तो ये सारी जानकारी के साथ अब आप तैयार हैं जी। अब ग्लेस का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ये टेस्ट दिए हैं, अपने नंबर स्कोर किए हैं, इस बात का सबूत है कि वो रेडी है। अब क्या करना है, इसमें एक कमाल की बात और है जी। लॉकडाउन का जो ये समय है, मैं ये कहूंगा दोस्तों, अगर आप गौर से देखें, अपने आसपास चेक करिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में थे जिनकी जॉब चली गई है। जी सर बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस बंद हो गए। जी सर। बहुत सारे लोग जो थे उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। जी सर। ऐसे में जहां लोगों को अंधकार नजर आ रहा है, ग्लेस एक दीपक की तरह उनके सामने आई है दोस्तों। जी सर। ऐसे लोगों को पैसा कमाने का मौका, अपने पैरों पे खड़े होने का मौका, अपना जीवन बनाने का मौका, अपने सपनों को पूरा करने का मौका ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रही है। बट क्या इस बात का एहसास आपको है? क्या आपको लगता है कि ग्लेस एक अपॉर्चुनिटी है जिससे लोग पैसा कमा सकते हैं? क्या आपको लगता है ग्लेस लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है? अगर ऐसा है तो नाउ इज द बेस्ट टाइम आप लोगों को इस बिजनेस को ऑफर करें, और ऑफर करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। यकीन माने, लोगों के सामने जवाब नहीं है, लोगों के पास सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उनको कोई हल नहीं मिल रहा, और वो हल आप दे सकते हैं। अगर आप लोगों को कहते हैं कि मेरे पास एक सुनहरा मौका है जिसमें आप इस लॉकडाउन के अंदर रहते हुए भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? आप लोगों को बोल सकते हैं आप अपने घर में रहते हुए अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और बिना बाहर गए हुए, बिना अपनी लाइफ को डेंजर में डाले हुए भी आप पैसा कमा सकते हैं, आपका इंसेंटिव आपके अकाउंट में पहुंचेगा, कैसा रहेगा? सोचिए, प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएंगे क्योंकि गैलवे कार्ड आपको सर्विस दे रहा है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज कर आप किसी को भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर, स्काइप पर, जूम पर, बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है जहां पर आप उसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन को देने के बाद आप उसका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करा सकते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन डलवा सकते हैं, ऑनलाइन बैंक के थ्रू उसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, पेटीएम के थ्रू ऑप्शन हो सकती है, और प्रोडक्ट भी उनके घर पहुंच सकता है। यानी बिजनेस घर बैठे बैठे आपके मोबाइल से चालू किया जा सकता है दोस्तों। इससे सुनहरा मौका और क्या हो सकता है? जहां आप देखें गौर से, लोगों को लगता है दुकानें बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, बाहर आना जाना बंद हो गया, तो क्या आप केवल अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो ग्लेस ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, आप कर सकते हैं। ऐसे में जहां लोगों के पास रास्ता नहीं है, आप उन्हें रास्ता दे सकते हैं। जी सर। बट वो देने के लिए पहले विश्वास आप पे होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगना चाहिए लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों को रास्ता चाहिए, दिखाइए उन्हें रास्ता, लेकर आइए ग्लेस के साथ, और आप उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी एक लेटेस्ट न्यूज मैंने 3 दिन पहले सुना कि उसमें, क्योंकि हजारों लाखों मजदूर जो कि बड़े बड़े महानगरों में आकर काम कर रहे थे, ड्यू टू कोरोना COVID-19 लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लाखों लोग वापस घर की तरफ आएंगे। लोगों ने न्यूज पे ये डाला था कि मतलब कि हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन अपने घर में रहकर काम करेंगे, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी। तो लोग ऐसी कमिटमेंट करने लगे हैं, तो जो हजारों लाखों लोग जो वापस घर आ रहे हैं वो लोग भी तैयार हैं अपने घर में रहकर बिजनेस करने के लिए। तो जो अभी आप बात कह रहे थे सर, तो लोग तो बहुत हैं और अपने घर में रह के काम करना चाहते हैं, तो एक्चुअली ये वाकई में बहुत बढ़िया सर। देखिए, मैं कुछ आपको एक बात और बोलता हूँ जी। कामयाब आदमी और नाकामयाब आदमी में सबसे बड़ा फर्क जो चीज पैदा करती है वो है आपका नजरिया जी। जो नाकामयाब आदमी होता है उसे परेशानी नजर आती है जी, लेकिन जो एक कामयाब इंसान होता है जीवन में, जिसके सपने बड़े होते हैं, उसे उसका जो नजरिया है ना, वहां उसे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है, वहां उसे मौका नजर आ रहा होता है, वहां उसे चुनौती नजर आ रही होती है। गांधी को देश आजाद कराना था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, पूरा देश गुलाम था जी, बट गांधी के लिए परेशानी थी या चुनौती थी? ये ऑफकोर्स चुनौती थी सर उसके लिए। सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप जीतना था, विश्व का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना था, ये उसके लिए परेशानी थी या चुनौती थी? चुनौती थी उनके लिए सर। तो इस समय अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है? इट्स अ अपॉर्चुनिटी। आप एक बात और ध्यान से देखें, जो पक्षियों के राजा है वो बाज है जी। बाज को ऊंचा उड़ने में और तेज उड़ने में कौन सी चीज रोकती है? हवा। हवा, यानी बाज के लिए जो परेशानी है या चुनौती है वो क्या है? हवा। हवा, वेरी गुड। अब कहते हैं चलिए इसकी प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, हवा नहीं है तो उड़ ही नहीं पाएगा।
हाँ, उड़ने की तो बात छोड़ी है, क्या वो जिंदा रह पाएगा? वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो जो बाज की परेशानी है वो ही उसकी कामयाबी की वजह भी है। जब नाव पानी में चलती है तो क्या चीज है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है? पानी। पानी, आप पानी खत्म कर देते हैं, आप चलाइए नाव को, चल ही नहीं पाएगा। तो जो चीज नाव को चलने से रोकती है वही नाव को चलाती भी है। उसी तरह से जीवन में कामयाबी जो है वो जब तक आपके पास चुनौती नहीं है आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आप बड़ी से बड़े लोगों की स्टोरी उठा के देखिए, संघर्ष से ही कामयाबी मिलती है और ये संघर्ष का समय है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आपको अपने पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि मैंने पहले भी यहां से कुआं खोद के पानी निकाला है तो आप आज भी निकाल सकते हैं सर जी। अगर आप वही नेटवर्कर हैं, अगर आपको अपने पे भरोसा है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर और उन सबके बिहाफ पे कमिटमेंट कर रहा हूं कि हर आदमी इस महीने पूरी जान लगाएगा और विनर बन के दिखाएगा सर। 100% आप विनर पहले से हैं, आपको बनने की भी जरूरत नहीं है, आपके अंदर विनर है, बस आपको उसे निकालना है बाहर। और ये बहुत आसान है, जो आपने आज से पता नहीं कितनी बार पहले भी किया हुआ है। और ये तब किया जब लोग पहले अपने काम पे जाते थे, तब जब सब चीजें नॉर्मल थी तब आपने कर दिया। आज तो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, आज लोग सोच रहे हैं करेंगे क्या, उनको जवाब नहीं मिल रहा, आप दीजिए जवाब उनको। अपॉर्चुनिटी के रास्ते बहुत खुले हुए हैं दोस्तों, सिर्फ नजरिया पॉजिटिव चाहिए और अपने आप पे भरोसा चाहिए। सर इसी क्रम में मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने बताया था यहाँ पर 40 आईपी हमें करना है, लेकिन किसी रीजन से, किसी वजह से अगर इस महीने मैं अगर 40 आईपी नहीं कर पाया, मान के चलिए मैंने 15 आईपी किया सर, तो क्या तब भी क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी? क्योंकि इस महीने मैंने 15 आईपी किया और दो महीने का समय है, मई और जून। आप किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं सर? सबसे पहले मैं अपने ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल, मैं अकेले की ही बात कर रहा हूँ, ऑप्शन वन के अंदर सर। बहुत बढ़िया, अगर आपने 15 आईपी का बिजनेस किया तो 15 टॉप अप मिल गया आपको जी, तो कितना हो गया? 30 आईपी। अब आपको करना कितना है विनर के लिए? 40 आईपी टोटल, 40 में 30 आपका इस महीने हो गया जी, अगले महीने आपको 10 आईपी और करना होगा और आप विनर बन जाएंगे। यानी सर एक्युमुलेशन के बिहाफ पर जितना भी बिजनेस मैं मई में करूंगा और उसके साथ जून में करूंगा, उसको जुड़कर भी मेरा ये विनर का प्रमोशन हो जाएगा। परफेक्ट, लेकिन टारगेट डबल हो जाएगा। मई में ये टारगेट 20 का है जी, और वहां पर कितना हो जाएगा? 40 का। वहां 40 का तो आइडियली अगर आप देखें तो आपने जो उदाहरण दिया आप तो इसी महीने भी बन गए जी, क्योंकि अगर आपने 15 कर दिया तो 15 और 15 कितना हो गया? 30। राइट, नहीं आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पर 20 होना चाहिए था। हाँ जी सर, 20 की जगह हुआ 15। 15 हुआ, 10 रहेगा। दस रहेगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से सर अगर मैं बात करूं सेम, अगर ये जो मैं अगर समझ पाया आपकी बात, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस महीने मैंने खुद 10 आईपी किया जी, तो एक्युमुलेशन पर मेरा पर्सनल 20 आईपी हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक। मेरी एक डायरेक्ट डाउनलाइन है सर, उन्होंने भी 10 आईपी ही किया तो एक्युमुलेशन पर उनका भी 20 हो गया सर। यहाँ पर 10 और 10, तो उस कंडीशन में तो मेरा प्रमोशन हो रहा है जो इस महीने की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं इस महीने मैंने 5 आईपी किया तो कंपनी का जुड़कर 10 आईपी हो गया सर, इन्होंने भी 5 आईपी किया जो मेरे डायरेक्ट हैं, तो उनका भी 10 हो गया, 5 और 5 10, 20 आईपी टोटल मैंने एक्युमुलेशन के सॉरी टॉपअप के साथ किया है सर, यहाँ पर अपनी सिर्फ एक डायरेक्ट के साथ। मैं समझ गया आपकी बात, आप ये कह रहे हैं 10 मैंने कर दिया विद टॉपअप, हाँ जी, और 10 मेरी डाउनलाइन ने कर दिया विद टॉपअप, तो टोटल हो गया 20। तो अगले महीने कितना करना होगा आपको? 20 और करना है। 20 और करना, यानी कि 10 मुझे खुद करना है और जो मेरे एक डायरेक्ट मौजूदा है या जिन्हें मैंने नया इंट्रोड्यूस किया है उन्हें करना पड़ेगा। परफेक्ट, सेम कंडीशन क्या ऑप्शन 3 में भी सेम रहेगा सर? राइट, कि यहाँ पर अगर मान के चलिए एग्जाम्पल है कि मैंने 2 आईपी किया, ठीक है, मेरे एक डायरेक्ट इन्होंने भी दो किया, ठीक है, टोटल सर 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 टोटल 8 आईपी मैंने किया, राइट, मेरा ये 100% टॉप अप पे ये सर 16 आईपी हो गया मेरा, राइट, लेकिन मुझे विनर बनना है तो उसके लिए करना पड़ेगा 40 आईपी, राइट, तो यहाँ मैंने 16 आईपी किया सर, तो बच गया मेरा कितना? 24 आईपी। तो 24 आईपी अगर मैं अगले महीने करता हूँ, क्योंकि अगले महीने टॉप अप नहीं है, तो उस हालत तो आपने 2 किया तो 2 के हो गए 4, हाँ जी, तो 10 में से 4 गए बचे 6, तो 6 6 6 6 24 आईपी, बिल्कुल, तो आपको 24 आईपी अगले महीने करने। यानी यहाँ मैं सबको बताऊंगा कि आप जो बता रहे हैं सर कि इस महीने करने पर 100% टॉप अप है, लेकिन अगले महीने करने पर वो जुड़ेगा तो सही, लेकिन अगले महीने 100% टॉप अप नहीं है तो रेस्ट जितना है वो सब करना पड़ेगा। परफेक्ट जी सर, ठीक है सर, ये तो बात अच्छे से हम लोग को समझ में आ गया। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को सर ना
ये जो लोग विनर बन रहे हैं अपनी बातों बातों में, तो आपने कई फायदे बताए, एक बार कंप्लीट रूप से सारे फायदे जरूर बताएं कि विनर बनने से एक्चुअली और क्या क्या बेनिफिट हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला है। देखिए कुछ, सबसे पहली बात तो ये, जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है हमारे बिजनेस में जिसपे आप 9% को अचीव करते हैं जी, वो शुरुआत आपको मिल जाती है विनर से। बिल्कुल, आप इस बात को अभी उस जगह सोचिए कि जहां आपके साथ एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहा है जी। आपका पहला लक्ष्य है कि आपको उसे 40 आईपी पूरे करवाकर उसे 9% पर लेकर आना है जी। तो ये एक स्टार्ट, किक स्टार्ट देता है उसको राइट। 9% के लेवल को टेक ऑफ करने के लिए, जो आपको एक, जैसे आप गाड़ी में जब बैठते हैं तो आपने देखा आपका एक स्टार्ट बटन होता है, उसी तरह से आपके बिजनेस का जो स्टार्ट बटन है वो 9% है। उस स्टार्ट बटन पे पहुंचाने के लिए आपको विनर्स काम आएगा दोस्तों। हर जुड़ने वाला नया डिस्ट्रीब्यूटर जीवन में एक और एक और एक ही बार विनर बन सकता है। बिल्कुल, तो ये अपॉर्चुनिटी यदि आप उसे देते हैं तो आप उसे सीधा उस किक स्टार्ट बटन पे पहुंचा देते हैं जो कि हमारा 9% का है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलता है 9% राइट। दूसरी बात, आपके साथ एक लेवल जुड़ जाता है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। सही में आप 9% पे हैं तो भी आप विनर 9% कहलाएंगे, आप 14% पे हैं तो आप विनर 14% कहलाएंगे, आप 19% पे हैं तो विनर 19% कहलाएंगे, आप मास्टर नहीं है, अगर मास्टर है तो सिर्फ मास्टर नहीं है, आप विनर मास्टर कहलाएंगे। वाह, आप विनर रॉयल मास्टर कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, आप विनर प्रेसिडेंट कहलाएंगे और आप विनर रॉयल प्रेसिडेंट कहलाएंगे। जो एक टाइटल, जैसे आपने देखा होगा फौज में लोगों के साथ स्टार लगते जाते हैं, मेडल लगते जाते हैं, तो ये एक सम्मान की बात है, एक मेडल की बात है राइट, एक रिस्पेक्ट की बात है। तो जब आप अपनी डाउनलाइन को, ये डुप्लीकेशन है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में एक एक, आप जीवन में किसी से कुछ भी करवाना चाहते हैं, पहले आप खुद करिए। तो मैं तो ये बोलूंगा, मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, रॉयल प्रेसिडेंट यानी कि GDD प्रेसिडेंट यानी कि डायमंड्स, RD यानी कि रॉयल प्रेसिडेंट्स, जितने भी मास्टर्स हैं, आपको ये मौका है एक बार फिर से अपनी डाउनलाइन को दिखाने का कि हमारा जज्बा अभी भी बुलंद है, हमारा हौसला आज भी उतना ही है जितना पहले था, और आज हम एक अपलाइन होने के बावजूद यदि इस टाइटल को अचीव कर सकते हैं, हम ऊपर स्टेज पर आ सकते हैं, तो अगली बारी आपकी है। तो यू हैव टू लीड बाय एक्शन दोस्तों। ये मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी साथी यहां पर 19% पे हैं, मास्टर्स बैठे हैं और उसके अभाव के लेवल के लोग हैं, खासकर उनके लिए कि आप अगर अपनी डाउनलाइन में आग पैदा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग मोटिवेट हो, तो मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लीड बाय एक्शन। अपने आप को करें, जितनी जल्दी हो सके विनर बने, अपनी डाउनलाइन को मैसेज भेजें कि मैंने विनर का टाइटल ले लिया है। यह आपकी डाउनलाइन के अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा, और विनर आपका इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना वायरस के दौरान एक टेक ऑफ जहाज है दोस्तों, जो आपको भविष्य में बहुत आगे कामयाबी की ओर लेके जाएगा। तो इसे मिस मत करिएगा, दिस इज अ गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक मन में बात आ रही थी सर, जब आप ये विनर विनर बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था जिस तरह से लोग स्टार RD बनकर फील करते हैं, हम में से जितने लोग ये विनर बनेंगे, क्योंकि ये टाइटल जीवन भर हमारे साथ रहना है, तो ये वाकई में एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा। जब भी हम जहां जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, तो कोई चूकिएगा नहीं राइट, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा फील देगा। स्टेज पे नाम अनाउंस किया जाएगा तो विनर बोलकर अनाउंस किया जाएगा। परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर, वो मेडल वाला। तो सीरियसली दोस्तों, एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक एक हम सब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि हम इस टाइटल को अचीव करें। और सर मैं फिर कह रहा हूं, मेरा एक एक योद्धा अचीव करेगा सर ये। वंडरफुल, आप सब विनर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है, हर महीने कंपनी के द्वारा एक निर्देश भी जारी किया गया है जिसमें आपकी जितनी भी अपलाइंस हैं वो सब मिलकर जो महीने का पहला संडे होगा, जो पहला रविवार होगा, उस दिन एक विनर्स डे का आयोजन किया जाएगा। और वो विनर्स डे खासकर आप लोगों के लिए होगा, यानी उन सभी लोगों के लिए जो विनर्स बनेंगे। आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, वहां सम्मानित किया जाएगा, वहां आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा साइन किया हुआ होगा। उसके अलावा आपको दोस्तों प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो कंपनी की ओर से होंगे। आपको 460 रुपए के प्रोडक्ट विनर बनने पर कंपनी की ओर से फ्री में दिए जाएंगे। टाइटल मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, और जीवन भर ये टैग जो विनर का एक मेडल है वो आपके साथ चलेगा। वंडरफुल सर, मैं तो सुनकर बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ये मुझे विनर वाला सर्टिफिकेट मिलेगा ना, मैं उसे स्टेटस में लगाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे लगाऊंगा। और क्योंकि आज अगर मैं 9% के लेवल पर भी हूं ना, ये जिंदगी भर डुप्लीकेशन की बात रहेगी। मैं जिस लेवल पर भी हूं, डुप्लीकेशन की बात रहेगी। मैं एक एक आदमी को बताऊंगा
कि जब मैं 9% पे था, देखो जब मैं 14 पे था, मैं 19 पे था, मैं 24 पे था, मैं रॉयल मास्टर था, जैसे ही कंपनी ने ये लेवल लेकर आए थे मैं उसी वक्त मैंने ये लेवल अचीव किया था। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच, ये बहुत बढ़िया रहा। कुछ बात यहाँ तक नहीं है जी, जहाँ बात विनर की है वहां पर हम उन लोगों के लिए भी एक टाइटल और लेकर आए हैं जो विनर से भी आगे की सोच रखते हैं। अच्छा, जिनको लगता है हम इससे भी और बेहतर कर सकते हैं। वाह, कैसा हो कि अगर विनर के ऊपर भी एक टाइटल आपको और मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सर, जब आपने सोने की बात की तो इसका नाम भी गोल्डन ही है साहब, इसका नाम गोल्डन विनर है। वाह सर, तो गोल्डन विनर क्या है आइए वो जानते हैं। प्लीज सर बताइए हम सबको भी गोल्डन विनर के बारे में। जो गोल्डन विनर है दोस्तों उसमें ये है कि जो मान लीजिए इसी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस ऑप्शन के अंदर आपको खुद 160 आईपी का बिजनेस कर रहा है सेल्फ में, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आज की डेट में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छी लिस्ट है और वो खुद इतनी क्षमता रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने लिए एग्री के प्रोडक्ट्स उठाते हैं, वो अच्छे खासे बिजनेस कर लेते हैं और वहां पर भी अचीव करते हैं बहुत सारी चीजों को, राइट जी। तो आपके पास अगर कस्टमर की लिस्ट बड़ी है और वैसे भी जो ग्लेज है वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है उन लोगों के लिए जो कि आपकी डेली जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, आपकी किचन के प्रोडक्ट्स हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है जी, राइट। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं अगर हम 40 की जगह और ज्यादा कर लें तो क्या। तो जो भी व्यक्ति 160 आईपी का बिजनेस सेल्फ कर लेगा वो विनर नहीं बनेगा, वो गोल्डन विनर बनेगा। बहुत बढ़िया सर, राइट। ऑप्शन हमारे पास गोल्डन विनर में दो ही ऑप्शन है जी, ऑप्शन वन या तो एक सेल्फ वाली जी, और उसके बाद आपकी थर्ड वाली ऑप्शन टीम वाली। टीम वाली, टीम वाली ऑप्शन में क्या है, आपने खुद 40 आईपी का बिजनेस किया, राइट सर, और आपने अपनी तीनों डायरेक्ट ए बी और सी से भी यदि 40 आईपी का बिजनेस कराया तो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 40 जमा 40 80 जमा 40 120 जमा 40 160। तो बहुत सिंपल है, या तो 160 का बिजनेस आप सेल्फ अपनी आईडी पे कर लीजिए या अपनी तीन डायरेक्ट से 40 आईपी का बिजनेस कर दीजिए और 40 का खुद कर लीजिए और आप बन जाइए गोल्डन विनर, राइट सर। क्लियर है, आप ये तीन फ्रेश डायरेक्ट कर भी, उनको सीडी बनाकर भी और अपने 40 आईपी कर भी बन सकते हैं। एक यहाँ कह रहा हूँ सर, जितने हमारे प्रेसिडेंट हैं, रॉयल प्रेसिडेंट हैं ऑलरेडी, मतलब इवन बहुत सारे हमारे रॉयल मास्टर्स भी हैं सर, उनकी एग्जिस्टिंग तीन तीन लाइन चल रही है, वो खुद भी अगर यहाँ 40 आईपी करते हैं और उनके साथ के जो ठीक उनके डायरेक्ट मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर वो भी 40-40 कर लेंगे, इसका मतलब वो सीधा गोल्डन मास्टर बन जाएंगे, 100% गोल्डन विनर बनेंगे, गोल्डन विनर बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल गोल्डन विनर बनेंगे। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा, जब आप विनर की बात करें या गोल्डन विनर की बात करें, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गौर से सुन लीजिएगा आप सब लोग जी, जो मौजूदा है वो कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए यंग ब्लड की जरूरत होती है जी। यंग ब्लड, जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब आता है तो उसे एक नई ताजगी आती है, एक फ्रेशनेस आती है, घर में कैसा माहौल चेंज हो जाता है, उसी तरह से आपके नेटवर्क में जब एक नया सीढ़ी आता है तो उसके आने से एक नया जोश आता है, एक यंग ब्लड आता है। तो आपको चाहे विनर बनना है चाहे गोल्डन विनर बनना है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप उसे फ्रेश ब्लड के साथ करें, यानी आप अपनी फ्रेश डायरेक्ट डाल के अगर करेंगे तो आपको और ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पहले वाले लोग तो आपके साथ है ही है, आप अपनी लाइंस खोलें। और ये तीन का स्ट्रक्चर क्यों है मैं आपको ये भी समझा देता हूं, हमने बहुत दूर की यानी विजन की बात की है दोस्तों। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इस बिजनेस में क्या सिर्फ सीडीपीडी ये 9% 14% तक के लेवल के लिए सोच के आ रहे हैं या आप आगे की सोच रखते हैं? जब आप आगे की सोच रखते हैं, जब आप ये सोच कर आ रहे हैं कि मुझे मास्टर पे जाना है, मुझे रॉयल मास्टर पे जाना है, तो वहां जाकर आपको पैसा दो चीजों से आएगा, एक तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा और दूसरा आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। मेरी दो बातें ध्यान से सुन लीजिए, पहला आपका बिजनेस वॉल्यूम यानी महीने में बिजनेस कितने का हो रहा है और दूसरा आपका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे एक टेबल है, अगर एक पैर वाला टेबल है वो ज्यादा मजबूत होगा या चार पैर वाला टेबल ज्यादा मजबूत होगा, क्या लगता है कुछ? चार पैर वाला, जिसके चार पैर होंगे उसकी मजबूती ज्यादा होगी। उसी तरह से इस बिजनेस में जो हमने ये ए बी सी वाला जो आपको ऑप्शन 3 दिया है, ये उन लोगों को दिया है जो इस बिजनेस में बड़ी सोच रखते हैं, जिनका विजन क्लियर है। और जब आप मास्टर बनते हैं, तो जब आप मास्टर बनेंगे, अगर आपकी 1-2-3 लाइनें मास्टर बन जाती हैं दोस्तों, तो आप एग्जीक्यूटिव मास्टर बन जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मास्टर का मतलब होता है आपको ट्रैवल फंड भी मिलता है, आपको कार फंड भी मिलता है और आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और यही 3 legs आपको प्रेसिडेंट लेवल पर भी लेके जाती हैं, क्योंकि जब आपके 3 रॉयल मास्टर बनते हैं तब आप कहलाते हैं प्रेसिडेंट, और जब आपके 3 प्रेसिडेंट बनते हैं तब आप बनते हैं रॉयल प्रेसिडेंट। रॉयल प्रेसिडेंट, तो
यहां से ही शुरुआत होती है, शुरुआत बिल्कुल सीडी लेवल से होगी। कमाल सर, आपने ये जो हम लोगों ने तीन लाइन वाला कॉन्सेप्ट निकाला है वाकई में बहुत दमदार है जी। बहुत जबरदस्त है। जिस अंदाज से आपने हम लोगों को बताया, मुझे लगता है यही बात, यही सारे फायदे हमें एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को बताना चाहिए जो मौजूदा है। मौजूदा को तो विनर बनाना ही है, उन लोगों को भी तीन लाइन खुलवानी है इसी प्रकार से। लेकिन हमें ज्यादा फैलना है तो हर किसी को आपका संदेश है कि कम से कम हर कोई तीन तीन अपनी फ्रेश लाइनें डाले और उनसे ये करवा के गोल्डन मास्टर बने। सर देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक गोल्डन फॉर्मूला है और वो है गो डीप एंड गो वाइड। यानी आपके अपने नेटवर्क को आपको गहराई में, डीप में भी लेके जाना चाहिए और आपको अपने नेटवर्क को विड्थ में भी लेके जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे बोलते हैं एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसको चुनना है और आपका विजन क्लियर है और आप इस बिजनेस में लंबे समय के लिए पैसा कमाने आए हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना चाहिए। आपको इस ऑप्शन में ए बी सी कम से कम तीन फ्रेश डायरेक्ट्स को इस बिजनेस में लाकर, यदि आप मात्र पांच पांच आईपी का बिजनेस भी इसमें कराते हैं, मात्र पांच आईपी और पांच का खुद करते हैं, तो भी आप एक विनर बन जाते हैं। और होगा क्या, आपकी तीन फ्रेश लेग शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, मैं कहूंगा कि अभी उठे, अपनी तैयारी करें, अपनी लिस्ट खोलें। सबसे पहले जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें दो तरह की लिस्ट होगी आपके पास, एक यूजर की लिस्ट और एक इस बिजनेस में जुड़ने वाले लोगों की। और जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद ये काम आपका नहीं है, आप यहां पर इंटरव्यू लेने नहीं बैठे, आप किसी को क्वालिफाई करने नहीं बैठे, किसी को भी क्वालिफाई मत करिए। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना। जैसे एक कपड़े की दुकान होती है, तो उस कपड़े की दुकान पे जितने ज्यादा लोग कपड़ा देखने चढ़ते हैं वो तय करता है कि आपका कपड़ा कितना बिकेगा। जब कोई व्यक्ति दुकान पर आता है कपड़ा खरीदने के लिए, तो दुकानदार क्या ये सोचता है ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? बिल्कुल नहीं, अपना काम करता है, उसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद कपड़ा दिखाता रहता है, लगातार दिखाता रहता है। उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी कामयाबी सिर्फ एक ही चीज पे है दोस्तों, वो है शो द प्लान, 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 शो द प्लान। आपको रुकना नहीं है, आपको प्लान देते जाना है। जिसे बिजनेस समझ में आएगा वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाएगा, जिसे प्रोडक्ट समझ में आएगा वो आपके प्रोडक्ट का यूजर बन जाएगा। नुकसान क्या है मुझे आप ये बताइए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। तो इंतजार मत करें, जल्द से जल्द शुरू करें। सर ये मई का महीना है, यहाँ पर अगर 160 आईपी का ये प्लान है, यहाँ 100% टॉप अप है, तो यहाँ 80 आईपी भी अगर मैं इस महीने कर लूंगा तो क्या मैं गोल्डन विनर बन जाऊंगा? 100% कुछ मई मंथ में 100% टॉप अप है। तो जो आपका लक्ष्य 160 आईपी का है वो आप 80 आईपी करते हैं तो 80 आईपी कंपनी द्वारा टॉप अप कर दिया जाएगा, आपका पूरा 160 आईपी हो जाएगा और आप गोल्डन विनर बन जाएंगे। लेकिन किसी वजह से अगर इस महीने में कुछ भी आईपी नहीं कर पाया और मैं गोल्डन विनर बनना चाहता हूं तो मुझे जून में 160 आईपी करना पड़ेगा। परफेक्ट, बिल्कुल। इसी प्रकार अगर मई महीने की बात करूं तो यहां पर भी मुझे अपनी पूरी टीम से मिलकर अगर मैं फ्रेश 80 आईपी कराता हूं, यानी 20 मैं खुद करूंगा, 20 ए करेंगे, 20 बी करेंगे और 20 सी करेंगे, तो 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20 टोटल सर 80 आईपी होता है। और फिर इस महीने कंपनी टॉप अप करेगी तो इस तरह से मेरा भी इस महीने गोल्डन विनर का प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर आपने पीछे एक्युमुलेशन के बारे में बताया था, तो क्या एक्युमुलेशन यहाँ पर भी है? 100% है जी। आपने मई मंथ में जो भी टारगेट अचीव किया अपना, मान लीजिए आपको 20 20 20 20 करना था जी, इसकी जगह हम कहते हैं आपने आधा ही कर लिया, 10 10 10 10 कर लिया जी, तो आपका टोटल हुआ 40 40 टॉप अप हो गया, तो कितना हो गया? 80 हो गया। करना कितना था? 160। तो आपको अगले महीने 80 करना है, यानी 80 करने के लिए फिर अगर मैं अगले महीने की बात करूं तो 20 खुद करना है, 20 ए से, 20 बी से और 20 सी से, इन सब से 20 20 कराऊंगा तो भी एक्युमुलेशन के बिहाफ पर मेरा यहाँ पर परफेक्ट गोल्डन विनर का प्रमोशन हो जाएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर, बहुत वंडरफुल सर। मेरे को इस चीज को लेकर आपने सारे ऑप्शंस बताए, सारी बातें बताई, अब एक बार सब लोगों को इसके फायदे भी बताएं सर, कि फायदा गोल्डन विनर बनने का फायदा क्या क्या है सर? देखिए पहली बात वही जो मैंने आपसे बोली कि ये टाइटल, अब स्टेज पर आप आते हैं, ये चुनाव आपका है कि आप क्या चाहते हैं, जब आपको स्टेज पे बुलाया जाए तो आपको क्या कह के बुलाया जाए, विनर या गोल्डन विनर, ये ऑप्शन भी आपकी है जी। यदि आपके ड्रीम बड़े हैं, आप बड़े लक्ष्य की चुनौती को
स्वीकार करते हैं तो गोल्डन विनर आपके लिए तैयार है। इसके अलावा जहां आपको 460 रुपए के प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको विनर पे मिलने थे, लेकिन उसके अलावा 1500 रुपए के प्रोडक्ट्स और मिलेंगे क्योंकि अब आप एक गोल्डन विनर हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, यानी 1960 रुपए के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे गोल्डन विनर बनने पर जी, राइट। उसके अलावा अगेन एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जो कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा साइन किया हुआ होगा, आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट वहां दिया जाएगा, लाखों हजारों लोग आपको देखेंगे, आपका नाम वेबसाइट के ऊपर होगा, आपका नाम न्यूज़लेटर में होगा, मैगजीन में होगा, तो आप फेमस हो जाएंगे रातों रात। सर मुझे अपना दिन याद है, जब मतलब मुझे याद है जब मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता था और मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे टीचर के द्वारा मुझे एक पेंसिल मंच पे दिया गया था, वो बात आज भी मेरे जहन में है। यानी जो आप सम्मान की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आज भी वो बात याद है, जब ये सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि अब ये विनर की बात नहीं है, ये गोल्डन विनर की बात है, तो ये मेरे लिए उससे भी बड़ा ओहदा है, ये उससे भी बड़ा मेडल है। और ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो डायरेक्टर्स के साइन किया हुआ है, वो अनमोल रहेगा मेरे लिए, जिसे मैं फ्रेम करा के रखूंगा, मैं सेव करके रखूंगा, और इसके बिहाफ पर अपने टीम में जुड़ने वाले एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को बताऊंगा कि मैं बना था, तुम भी बनो, और वो जो रिवॉर्ड और रिचार्ज रिकॉग्निशन जो मुझे मंच पर मिलेगा, वो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करेगा सर। बिल्कुल जी सर। इसके अलावा मुझे लग रहा है और भी कुछ और है, जैसे कि आपने पहले बताया था कि अगर वो 40 आईपी करता है तो सीधा 9% पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर भी हाँ बिल्कुल जी। यदि आप 160 की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस में 160 आईपी जब आप कर लेते हैं जी, तो आपका प्रतिशत लेवल 14% का हो जाता है। बिल्कुल, हम 14 पे जाते हैं। जहाँ विनर की प्रमोशन जो आपका टाइटल है वो आपको 9% की प्रमोशन दिलवाता है जी, वहीं गोल्डन विनर जो है आपको 9 से बढ़ाकर 14% का लेवल दिलवा देता है। बहुत बढ़िया। तो आप अगर गोल्डन विनर बनते हैं तो आप सिर्फ गोल्डन विनर नहीं बनते, आप 14% का लेवल भी अचीव कर जाते हैं जी। इसके साथ मैं कहूंगा ये तो मेरे लिए है, अगर मैं अपनी टीम के साथ अगर करता हूं सर, तो मैं यहां पर तो खुद 14 पे पहुंचूंगा, मेरी तीनों डायरेक्ट लाइन भी परफेक्ट 9% 9% में पहुंच जाएगी। बहुत ही आइडियल तरीका होगा, जिसे आप कहेंगे कि आप इस बिजनेस को बहुत आइडियल तरीके से कर रहे हैं जी। यदि आप 14 पर हैं और आपकी तीनों लेग्स 9 पर हैं, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस को वंडरफुली बिल्कुल आइडियल रूप से चला रहे हैं। और इसी का अगर डुप्लीकेशन आपकी डाउनलाइन में हो गया तो साहब आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके नीचे 3 प्रेसिडेंट खड़े होंगे और आप रॉयल प्रेसिडेंट होंगे जी। तो ये आप ये मत देखें कि ये आज भविष्य के 9% आज के लेवल के 9% है, आप इनमें ये देखें कि आपके तीनों रॉयल प्रेसिडेंट है भविष्य के। थैंक यू सर। एक और सवाल मेरे पास आ रहा है कि अभी आप पहले बता रहे थे कि 460 रुपए का फायदा है, फिर अगर कोई गोल्डन विनर बनता है तो 1500 रुपए का फायदा है। मैं चाहता हूं आप हमारी पूरी टीम को बताएं, कोई अगर इस महीने मई महीने में अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो ओवरऑल उसको टोटल कितने का फायदा मिल रहा है। जैसा कि मैं जान पाया हूं पीछे प्लान के अंतर्गत, मैं चाहूंगा कि आप मुझे सिर्फ करेक्ट कर दें। पहले मैं ये जानना चाहता हूं आप क्या जान पाए हो, आपको क्या लगता है कितने का फायदा होगा। सर मैं सबसे पहले बताऊंगा, फायदा नंबर एक होगा कि कंपनी ने पिछले महीने से दिया, क्योंकि इस महीने यहां पर मैंने जैसे ही 160 आईपी किया सर, ये अपनी टीम के साथ मिलकर कराया, तो सबसे पहले उसके अंदर जो मेरा शुरू का 5 आईपी है उसके ऊपर सर मुझे फर्स्ट परचेज पर 200 रुपए का प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला फायदा यहाँ ये होगा, मुझे 200 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद सर मैं दोबारा जब फॉल करूंगा, क्योंकि 10-5 आईपी की परचेज के बाद मेरा इस महीने जो है वो मैं रिटेल बोनांजा के लिए क्वालिफाई करता हूं, तो मुझे चलता है रिटेल बोनांजा के अंतर्गत 1500, 2500, 3500 और 4500 के प्रोडक्ट तक पे कंपनी बेनिफिट देती है। 4500 का अगर कंपनी का वो मैक्सिमम स्लैब है सर, वो लेने पर मुझे 649 रुपए का प्रोडक्ट वहां से भी मिलता है सर। ये दूसरा हो गया। और जैसे ही मैं गोल्डन विनर बन रहा हूं, आपने मुझे पहले बताया कि मुझे विनर का 460 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा, और क्योंकि मैं गोल्डन विनर बना हूं चाहे सेल्फ या टीम की मदद से, तो मुझे 1500 रुपए के प्रोडक्ट कंपनी और देगी। मुझे लगता है जब इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो लगभग मैंने, क्योंकि सर पहले कैलकुलेट किया था, पहले जब मैं प्लान आया था मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरी टीम मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि मेरी टीम में बहुत लोग डायरेक्ट इसी लेवल को अचीव करना चाह रहे हैं। 2809 रुपए का प्रोडक्ट सर इस महीने, जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको सीधा कंपनी से 2809 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है सर। अब कुछ यहाँ पर एक बात और गौर कर रहे वाली है,
देखिए दो तरह के विचारधारा के लोग हैं, मैंने आपसे बोला जी, जो इंसान नाकामयाब होता है या नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति होता है वो देखता है कि ये प्रोडक्ट है 2500 रुपए के, कंपनी 2800 के प्रोडक्ट दे रही है मुझे, आप इसकी जगह कुछ और दे दो। लेकिन जिस आदमी को पास स्किल है, जिस आदमी को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैश है जी। कैश क्यों है कि जब मैं इस प्रोडक्ट को किसी को सेल करता हूँ, मेरे पड़ोस के घर में क्या कोई साबुन यूज नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या लोग टूथपेस्ट यूज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या तेल नहीं यूज करते? सब करते। क्या लॉकडाउन की वजह से लोगों ने साबुन यूज करना बंद कर दिया है? नहीं। इवन कोरोना वायरस के बाद तो उल्टा सबसे ज्यादा लोग हाथ धोने के लिए मोटिवेट किया गया जी सर। तो मेरे पास हैंड क्लींजर है, मेरे पास हैंड वॉश है, मेरे पास साबुन है, मेरे पास तेल है, मेरे पास शैम्पू है, मेरे पास क्रीम है, उसके अलावा मेरे पास आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना जैसा प्रोडक्ट है, राइट। तो इतने सारे वंडरफुल प्रोडक्ट जो हर घर में चाहिए, अगर ये 2800 रुपए के प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं और मैं अपने आसपास चार घरों में इनको देता हूं, तो ये 2800 विद एमआरपी और डीपी के डिफरेंस के साथ आप सोचते हैं कितने के हो गए? इसमें आप अभी 15% और जोड़ दीजिए, यानी आपके पास करीब करीब अगर आप इस बात को देखें तो 3500 रुपए के आसपास का मुनाफा है जी। तो ये कैश है, आपको करना क्या है? इस प्रोडक्ट को सिर्फ अपने आसपास चार लोगों को ऑफर ही तो करना है। बिल्कुल सर। क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल। तो ये प्रोडक्ट आपके कैश है आपके पास। बिल्कुल है, राइट। इसमें एक और बेनिफिट सर कंपनी दे रही है, इसमें क्या अच्छा बेनिफिट दे रही है कि रिटेल बोनांजा के जो प्रोडक्ट हैं सर वो तो हमें हैंड टू हैंड मिल जाएगा, राइट, मान के चलिए। इसके बाद कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से 1500 रुपए वाला ऑफर भी निकाला है गैलवे कार्ड पे कि 1500 से अधिक के आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कोरियर चार्जेस भी फ्री है। Perfect. तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा टोटल प्रोडक्ट अमाउंट निकलेगा वो 1500 से ऊपर निकलेगा, तो लॉकडाउन के दौरान अगर मैं ऑफर अचीव कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से वो कोरियर चार्ज भी मुझे फ्री मिल जाता है। कहते ना आम के आम और गुठलियों के दाम। और सबसे अच्छी बात सर, क्योंकि आपके साथ मैंने ट्रेनिंग में सीखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों पे चलता है सर, एक है लीडरशिप और दूसरा है डुप्लीकेशन। आप जब ये करके दिखाएंगे हम सब लोग, तो आप अपने आप को प्रूफ करोगे बीइंग ए लीडर कि मैं कर सकता हूं, और जब आपने किया तो दूसरा चलेगा डुप्लीकेशन, जैसा मैं करूंगा वैसा मेरी डाउनलाइन करेगी, और ये करने से ये दोनों ही चीज मेरी डाउनलाइन में चलनी शुरू हो जाएगी सर। लीडरशिप की तरफ मैं आगे बढ़ने लगूंगा क्योंकि मैंने ये लेवल अचीव करके अपने आप को प्रूफ किया है, और जब मैं ये करूंगा तो मेरी डाउनलाइन के लोग देखकर करेंगे तो डुप्लीकेशन भी आगे बढ़ेगा सर। परफेक्ट जी सर। तो चलिए आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। ये बहुत सारी ऑफर्स की लहर आप सब लोगों के लिए मौजूद है दोस्तों, आगे भी आपके सुझाव आमंत्रित है। ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमेशा वचनबद्ध है दोस्तों, और हम चीजों को और बेहतर करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो विनर और गोल्डन विनर की ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसकी शुरुआत आपसे होती है, आपके पास अभी भी पूरे 21 दिन मौजूद है दोस्तों। अगर आप अपने साथ प्रेजेंटेशन देना शुरू करें इस समय आपकी टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन, मात्र एक घंटे में प्रेजेंटेशन आराम से खत्म हो जाती है। यानी आप अगर आइडियली देखा जाए तो एक दिन में कम से कम दो प्रेजेंटेशन बहुत आराम से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, राइट। अगर आप 21 दिन में टोटल दो दो प्रेजेंटेशन देते हैं तो 42 प्रेजेंटेशन होती हैं जी। और हमारा स्ट्राइक रेशियो कहता है कि अगर आज आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल सर। तो 40 लोगों के हिसाब से तो 16 लोग बनते हैं सर। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 3 लोगों के स्ट्रक्चर के साथ इस बिजनेस को शुरू करना है, उनका फर्स्ट परचेज का ऑर्डर दिलवाइए, साथ में वो फर्स्ट परचेज का बेनिफिट उठाएंगे और आपको विनर बनाएंगे, और जब आप उनको विनर में कन्वर्ट करते हैं तो आप गोल्डन विनर बन जाते हैं जी सर। तो इंतजार मत करिए, शुरुआत करिए। ये बिजनेस आपके लिए दोस्तों, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। गो गैलवे। थैंक यू दोस्तों। अब इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। सर ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया, बहुत बढ़िया से सिखाया, बहुत बढ़िया से बताया। कंपनी ने हमें न जाने कितने सारे ऑफर्स दे डाले हैं, इतने सारे ऑफर्स जो कि हमें लगातार बेनिफिट पहुंचाएंगे। यहां पर दोस्तों आपको बोलूंगा इन सारे ऑफर्स का साथ के साथ फायदा उठाएं, उन सब चीजों से सीखें। आज आखिरी में अपनी बात कह रहा हूं कि अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आपको ये सारा ट्रेनिंग और सेशन बढ़िया लगा है तो आप लाइक बटन दबाकर इसको हमें बताएं कि आपको वाकई में बढ़िया लगा, और ट्रेनिंग जो लोग नहीं देख पाए हैं शेयर के माध्यम से उन सब जगहों तक पहुंचाएं।
तो दोस्तों आज सरबजीत सर ने खुद आकर आपको ये सारी चीजें डिटेल में और बढ़िया से बताई है, अब बारी आपकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार पूरे ग्लेज परिवार को।